आशु बना रहा है ना आशु? हाँ बिल्कुल, आज मैं बना रहा हूँ। ओके तो चलते हैं, स्टार्ट करें क्या खाना बनाना? बिल्कुल, अभी मैं कुकर को गर्म कर रहा हूँ, अब इसमें बटर डालूंगा हल्का सा। तो आज हम लोग खाएंगे आशु स्टाइल चिकन। मेरे स्टाइल का चिकन है जो मैं हमेशा बनाया करता था। बटर तो तुम्हारा मेल्ट हो गया और इधर उधर घुमा भी रहे हो तुम, पूरा प्रेशर कुकर। मेरी आदत है घुमाने की, जब तक घुमाओ नहीं मजा नहीं आता। मैं कुछ नहीं बना रहा, मैं अपने स्टाइल का चिकन बना रहा हूँ। तो मेरे को हेल्दी चिकन खाना होता था तो मैं बना रहा हूँ हर्ब सौते चिकन इन कर्ड। ओके तो ओवरऑल इसमें कोई मसाला नहीं होगा, बहुत सिंपल सी चीजें डालेंगे, थोड़े बहुत हर्ब्स डालेंगे। मैं खा तो लूंगी ना। हाँ तुम खा पाओगी। तो तुम क्या डालोगे, जैसे हम जनरली जीरा डालते वैसे जीरा डालोगे? नहीं मैं सिर्फ प्याज डालूंगा, उसको थोड़ा सा सॉट करूंगा, उसके बाद मैं उसमें चिकन सॉट करूंगा, दैट्स इट। ओके कितना प्याज लिया था तुमने? दो प्याज। और तुम क्या छोटे वाले चम्मच से इस तरह से कर रहे हो, मिला रहे हो? हाँ मैं छोटे से चम्मच से मिला रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, ज्यादा कंट्रोल फील होता है मेरे हाथ पे। ये कितना लिया है चिकन तुमने? हाफ केजी। हाफ केजी चिकन और दो प्याज, राइट? चुटकी भर नमक नहीं डाला ना अभी तुमने? हाँ, नमक थोड़ा सा और ऐड करूंगा, वो नमक प्याज के लिए था। अभी तो अभी क्या हम फ्राई करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं? हम हल्का सा सॉट करेंगे इसको, जैसे हम चिकन का सूप बनाने के लिए पहले हल्का सा सॉट करते हैं, उसी तरह से करेंगे। थोड़ा सा नमक और ऐड किया ना तुमने। इसके साथ हम खाएंगे हर्ब राइस, तो जो चिकन का ब्रोथ बचेगा इसके बनने के बाद, उसी ब्रोथ में हम राइस को बनाएंगे, तो दोनों का फ्लेवर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये ब्लैक पेपर डालना। अब ये चिकन और प्याज सब पानी छोड़ देंगे और जब सूखने लग जाएंगे ना उसके बाद हम इसमें चीजें ऐड करेंगे। ओके, जो एक्सेस वाटर है जो निकल रहा है हाँ, वो ड्राई हो जाएगा। हाँ, और चिकन भी थोड़ा सा अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दे। ओके, वैसे अभी बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है और स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। और ये रेसिपी तुमने कहाँ से सीखा है? ये कुछ मैंने सीखा नहीं कहीं से, ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट था। तो मेरे को चिकन बहुत पसंद था, मैं बॉइल करके खाता था चिकन, बहुत इजी पड़ता था प्रेशर कुकर में। तो फिर मैंने सोचा कि बॉइल वाले चिकन को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दूं तो टेस्ट बढ़ जाएगा। अच्छा। तो मैंने उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करके खाना स्टार्ट करा, फिर मेरे को लगा सॉफ्ट तो हो जाता था बट फिर वो थोड़ा सूखा रहता था, तो मेरे को था कि थोड़ा सा ग्रेवी हो, और मेरे को क्रीम ये सब ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन कर्ड काफी पसंद है मुझे, तो मैंने कर्ड ऐड करना शुरू करा उसमें। और फिर जब कर्ड ऐड करा तो मेरे को थोड़ा सा फीका लगा, तो मैंने सोचा अगर मैं पहले ही इसको हर्ब कर दूं और हल्का सा फ्लेवर कर्ड के टाइप पे डाल दूं तो अच्छा बनेगा, और वो कॉम्बिनेशन में वो बहुत अच्छा लगा, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। क्या बात है, वेल डन। ओके, ये जूस निकल गया ना चिकन का? हाँ, ये देखिए कितना जूसी हो गया। तो इसके जो ऑयल और जो प्याज के हल्के से वाटर छूटते हैं ना, उन सब का मिक्सचर है ये। तो अभी और ड्राई करना है, क्या करना है? हल्का सा ड्राई करना है, जब ये हल्का सा ठीक हो जाए, हमें लगे कि ये सेमी से ज्यादा पक चुका है, फिर हम इसको बॉईल करने के लिए डालेंगे हर्ब्स के साथ। अब मेजर जो म्याऊं-म्याऊं कर रहा है उसका क्या करना है? मेजर को कुछ हुआ नहीं है चिकन को। मेजर के लिए हमने तीन पीस अलग से निकाल दिए वैसे। तो खिला दिया मैंने ऑलरेडी। ओके। अभी कलर भी चेंज दिख रहा है मेरे को, है ना? हाँ, अब ये सेमी से ज्यादा पक चुका है, मतलब आधा से ज्यादा पक चुका है। ओके। तो अब हम इसको रेडी करते हैं हर्ब के साथ। अब हम इसमें हल्का सा वाटर डालेंगे, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ताकि ये अपने ग्रेवी में पके, थोड़ा सा वाटर ऐड करने से अच्छे से बॉईल हो जाएगा और अंदर। अच्छा, जो बॉईल करने वाले हो मतलब सीटी लगाने वाले हो? हाँ, मैं इसमें दो सीटी लगाऊंगा। इसलिए तुमने प्रेशर कुकर चूज किया क्या? हाँ। और ये भी तुम्हारा फेवरेट प्रेशर कुकर है ना, इसमें तुम ही बनाते हो खाना? ये ऐड कर रहा हूँ मैं ऑरेगानो थोड़ा सा। क्या ऐड करने वाले हो? अब मैं ऐड करूंगा पास्ता सीजनिंग हल्का सा।
यही हर्ब्स चावल के अंदर भी जाएंगे, वो आप इसकी क्वांटिटी ज्यादा भी रख सकते। मतलब ये वाले पानी से तुम बॉईल करोगे राइस को? हाँ, इसी ब्रोथ से जो अभी तैयार होगा उसी से मैं राइस को बॉईल करूंगा। यही से यही चीज सब में ओके, फिर मिला दिया राइस। हाँ, अब अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। ओके, और पानी कितना डालना है? पानी इतना डालना है कि चिकन सबमर्ज हो जाए इसमें। ओके, लुक्स नाइस। और कितनी सीटी लगाओगे? सिर्फ दो सीटी। दो सीटी? फ्लेम क्या रखा है तुमने? मीडियम रखा है। जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा हाई करता हूँ और इसको वेट करता हूँ थोड़ा सा प्रेशर बनने का। जैसे ही प्रेशर बनता है दबा के बंद कर देता हूँ। खासकर इनकी पैन में कुछ बना रहे हैं तो पैन हीटेड पहले से होना चाहिए था, तो अभी हम हीट कर दें इसको। अब हम इसमें लेंगे हल्का सा बटर। बटर को हम पूरे पैन में स्प्रेड कर लेंगे। ये कास्ट आयरन का पैन तो बहुत भारी है, मैं रोज बनाती हूँ, तुमने कैसे उठा लिया? तुमसे नहीं उठता था क्या? उठेगा ही नहीं। अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा ऑलिव ऑयल। हम ऐड करेंगे थोड़े से फ्लेवर जो हमें कर्ड के अंदर चाहिए। तो थोड़े से फ्लेवर में हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सेजवान सॉस। सेजवान सॉस का हाँ फ्लेवर मेरे को पसंद है। आप सेजवान सॉस की जगह चिली फ्लेक्स और जिंजर गार्लिक का पेस्ट से भी काम चल जाएगा। और इसको भी तुम स्वाद करोगे ना? हल्का सा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा एक चम्मच डार्क सोया सॉस। अब हम ऐड करेंगे दही। दही तुमने जमाया है? दही तुमने जमाया है। मैंने नहीं जमाया। मैं तुम्हारा सारा दही खत्म कर रहा हूँ। ठीक है। फ्लेम को तुमने अभी कम किया है? फ्लेम कम है अभी। ओके, लो रखना है। हाँ, लो रखना है, नहीं तो सब जल जाएगा। ओके, इसे भी हम सॉफ्ट करेंगे या फिर एक दो मिनट के लिए पकाएंगे? नहीं, बस हम इसको मिक्स करके एक सॉस बना रहे हैं, इसमें बस चिकन ऐड होगा। ओह वाह। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से कट ऑलिव्स और दो पीस एलपिनो। ये सॉस तुम्हारा हो गया है ना? करीब करीब हो चुका है। अब मैं चिकन ऐड करने जा रहा हूँ। चिकन ऐड करने के बाद या इस पूरे सॉस को जो हमने प्रिपेयर करा है उसमें नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नमक हमने चिकन बॉईल करते समय भी ऐड करा था और जो हमने सॉल्ट किया था उस टाइम भी। हाँ, और जो बटर हमने ऐड करा है बटर में भी हल्का सा सॉल्टेड होता है बटर, तो नमक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर जस्ट इन केस आपको नमक कम लगता है तो आप लास्ट में एक बार चेक करके डाल सकते हैं। अब आपकी इस ग्रेवी को सुखाना है, बिल्कुल थिक ग्रेवी होनी चाहिए। तो हमारा एम ये है, ये खाने में सूखा नहीं लगना चाहिए। हाँ। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला भी नहीं बनाना है, तभी असली टेस्ट आएगा। अगर आप इसको ज़्यादा पानी और ग्रेवी वाला बनाओगे तो इसमें टेस्ट नहीं आएगा। और ये रेडी है क्या? ये करीब करीब हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम जो हमारा चिकन ब्रोथ है, ये हमारा ब्रोथ है इसका हर्ब्स कर्ल्स का, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसी में राइस में बनाएंगे। अच्छा, अब आप इस हर्ब राइस के साथ इसको खाओगे तभी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं टेस्ट में, सिमिलर टेस्ट के साथ। अभी हमारा चिकन रेडी हो चुका है। देखिए आप उसको, आपको इसमें ग्रेवी नहीं दिखेगी, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और बंद कर देंगे। अभी हमारा रिमेनिंग ब्रोथ है जो हमारे चिकन का था, इसी ब्रोथ में हम चावल को प्रिपेयर करेंगे। मैंने राइस को धो रखा था, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। अब हम उसी ब्रोथ में चेक करेंगे वो ब्रोथ चावल के लिए सफिशियंट है कि नहीं है। मेरे को लग रहा है थोड़े से पानी की और ज़रूरत है,
तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगा। जिस तरह से आप नॉर्मल चावल प्रिपेयर करते हैं, जितना पानी का लेवल नॉर्मल चावल में होना चाहिए उतना ही पानी का लेवल हम इसमें भी रख देंगे। हम हल्का सा पानी डालेंगे ताकि आधी उंगली ऊपर आ जाए चावल की, और हम बंद कर देंगे। अब मैं कुकर के लिड को क्लोज कर देता हूँ। कितनी सीटी मरवाना है? मैं मीडियम फ्लेम पे बनाता हूँ 2 सीटी तक, फिर मैं 5 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ। ओके। बंद करने के बाद क्या मैं ढक्कन ओपन कर लूँ आशु? कर लो। स्मेल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। ये मैंने बनाया है आइडियल पोर्शन के हिसाब से, तो आइडियल पोर्शन के हिसाब से हमें राइस थोड़ा कम खाना चाहिए और प्रोटीन थोड़ा सा ज्यादा, ताकि ये हेल्दी भी रहे और नुकसान भी नहीं। तो टेस्ट करो। ओके, थैंक यू फॉर मेकिंग फूड। लगता रहा है बहुत टेस्टी, लेकिन एक बार यार तुमने तो क्या ही बना लिया है, एक नंबर, बहुत ज्यादा टेस्टी। मैं सारा खा लूंगी ना।